हेलो एवरीवन, अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारे सामने प्लीडिंग्स का। प्लीडिंग का जो चैप्टर है, चैप्टर 9th, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, बहुत एक्साइटिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में लॉ के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे और हम उनको समझेंगे भी। हम यहाँ सिविल प्रोसीजर कोड की भी बात करेंगे, CPC में प्लीडिंग्स को लेकर क्या प्रोविजन है, प्लीडिंग्स का क्या बैकग्राउंड है, प्लीडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है और प्लीडिंग कैसे की जाती है, इसको भी हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूं, इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा की तरह यही है कि प्लीडिंग्स का मतलब क्या होता है, प्लीडिंग का मतलब क्या होता है, प्लीडिंग्स किसके लिए यूज करते हैं। द वर्ड प्लीडिंग्स इज बेसिकली यूज फॉर ए प्लेंट। जो प्लेंट एक प्लेंटिफ फाइल करता है ना, राइट, जो प्लेंट एक प्लेंटिफ क्या करता है, कोर्ट में ड्राफ्ट करता है, कोर्ट में ड्राफ्ट करने के बाद उसको सबमिट करता है। कोर्ट में ड्राफ्ट नहीं करता, कोर्ट में ड्राफ्ट करके उसको जो सबमिट करता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लीडिंग्स। और इस प्लीडिंग की शुरुआत कैसे हुई ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्लीडिंग्स हमेशा से चला हुआ आ रहा है। जब मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूंगा तब मैं आपको ये बताऊंगा कि प्लीडिंग्स की शुरुआत कैसे हुई। CPC सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें प्लीडिंग से रिलेटिंग गाइडलाइंस हैं जो वाइल प्लीडिंग फॉलो करनी होती है। तो ये सारी बातें हम लोग समझेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट बैकग्राउंड ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की, बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम। पूरा लीगल सिस्टम के बारे में बात नहीं करनी हमें अभी सिर्फ इस बारे में बात करनी है, अभी हमें सिर्फ इस एस्पेक्ट को डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है, वी जस्ट नीड टू डिस्कस एंड वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन कि इंडिया में जो लीगल सिस्टम है इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या प्लीडिंग वाला सिस्टम जो है ये हमेशा से चला हुआ आ रहा है या किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में इसकी शुरुआत हुई। ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या रूल था इंडिया में प्लीडिंग का, उससे पहले जब राजा महाराजा इंडिया में थे किंग्स के टाइम पे क्या सिस्टम था। तो सुनिए, पहले एंशियंट टाइम्स में क्या हुआ करता था, मैं अगर बात करूँ एंशियंट टाइम्स की, सो ड्यूरिंग द एंशियंट टाइम्स किंग होता था और सारे के सारे जो भी फैसले होते थे वो किसके सामने होते थे, किंग के सामने होते थे। किसी को भी प्रॉब्लम है तो जाएगा किंग के पास, महाराज के पास जाएगा और महाराज के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम रखेगा। उसके बाद राजा और उसके जो कैबिनेट, मेरा मतलब है जो उसका मंत्रिमंडल होता था, वो लोग डिसाइड करते थे। सो पिटिशनर यूज टू अपीयर, देखो पहला स्टेप ये होता था, यूज टू, जहां आकर वो अपनी कंप्लेन किंग के सामने रखा करता था। पिटिशनर यूज टू अपीयर बिफोर द किंग, किंग को बोलता था कि सर ये मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, और साथ ही साथ अपने फैक्ट्स को रखता था, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, जो भी उसकी समस्या है। ये आपने हिंदी मूवीज़ में देखा होगा, हिंदी मूवीज़ में या पुराने जो हिस्टोरिकल टीवी सीरियल्स होते थे वहाँ आपने ज़रूर देखा होगा। नाउ सो वो उसे रखता था बिफोर हिज मेजेस्टी। नाउ उसके बाद में क्या होता था, ये स्टेप पूरा होता था और ये स्टेप पूरा होने के बाद में जो अगला स्टेप होता था वो होता था कि किंग क्या करेगा, पहले होगी ओरल हियरिंग। तो पहले के ज़माने में ना रिटर्न फॉर्म में इतनी हियरिंग नहीं हुआ करती थी, ओरल हियरिंग हुआ करती थी, ओरल हियरिंग होती थी और साथ ही साथ जिस पार्टी के अगेंस्ट में एलिगेशन लगाए गए हैं उस पार्टी को क्या मिलता था, उस पार्टी को समन मिलता था। सो समन दी अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को समन इशू किया जाता था। और समन इशू करने के बाद में अगला स्टेप क्या होता था ये देखो, हालांकि ये आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड पर्पस के लिए बता रहा हूँ, एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता,
कि एंशियंट टाइम्स में क्या हुआ करता था, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको समझाने के लिए कि देखो पहले सिस्टम क्या होता था, और जो प्लीडिंग का एग्जिस्टिंग सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं तो उसको ये कब डेवलप हुआ वो बताने के लिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। तो शुरुआत करी मैंने एंशियंट टाइम से, जब किंग सिस्टम इंडिया में चला करता था, ब्रिटिशर्स के आने से पहले की ये सिस्टम चला करता था। उसके बाद में क्या होता था, ओरल हियरिंग होती थी, ओरल हियरिंग होने के बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन होता था, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ करता था, राइट, क्रॉस एग्जामिनेशन, या हम बोल सकते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग। और ये क्रॉस क्वेश्चनिंग कौन करता था, ये क्रॉस क्वेश्चनिंग बेसिकली जो किंग होता था वो किंग क्या करता था, क्रॉस एग्जामिनेशन और क्रॉस क्वेश्चनिंग बाय द किंग। यू मे हैव हर्ड अबाउट राजा विक्रमादित्य, या वो सिंहासन 32 के बारे में आपने जरूर सुना होगा। एक एक स्टोरी बड़ी फेमस थी राजा विक्रमादित्य के बारे में, कि राजा विक्रमादित्य का जजमेंट कभी भी गलत नहीं होता था। तो जब हम एंशियंट पुरानी स्टोरीज में पढ़ते हैं ना, तो आता है कि राजा विक्रमादित्य ही इज कंसीडर्ड एज यू नो वन ऑफ द बेस्ट जज ऑफ ऑल टाइम। तो वो जिस सिंहासन पे बैठा करते थे, उनकी जो सीट थी उसको शायद सिंहासन 32 ही बोला करते थे, कि उस सिंहासन पर बैठकर उनका जो भी जजमेंट होता था वो जजमेंट पूरी तरीके से ठीक होता था, करेक्ट होता था, ऐसा कहा जाता था। नाउ सो क्रॉस एग्जामिनेशन और क्रॉस क्वेश्चनिंग होता था बाय द किंग, और उसके बाद में जो लास्ट स्टेप होता था वो लास्ट स्टेप हुआ करता था डिसीजन, डिसीजन का अनाउंसमेंट करना। तो पहले के टाइम में जब इंडिया में ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, तो जब ब्रिटिशर्स की इंडिया में एंट्री नहीं हुई थी, तब उस टाइम पे जो भी लीगल सिस्टम था या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो किंग के पास में हुआ करता था। अभी की तरह एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटरी अलग है, जुडिशरी अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, ये सिस्टम पहले फॉलो नहीं होता था। सो पीपल डिडंट यूज टू फॉलो दिस सेम सिस्टम जो अभी फॉलो किया जा रहा है। नाउ उसके बाद में क्या हुआ, ठीक है, तब ओल्ड सिस्टम को फॉलो करते थे। फिर जब मुगल काल आया, जब मुगल आए उसके तब भी ओल्ड सिस्टम को फॉलो किया जाता था। फिर आया ब्रिटिश एरा, ठीक है ना। तो ब्रिटिश एरा में क्या क्या चीज़ें हुई, तो ब्रिटिश एरा में जो भी हुआ उसको भी मैं टाइम लाइन पर एक्सप्रेस करके बता देता हूँ, क्या क्या डेवलपमेंट हुए ड्यूरिंग दी ब्रिटिश एरा। सो अगर मैं बात करूं ब्रिटिश एरा की, सो द डेवलपमेंट्स विच वर इंट्रोड्यूस्ड ब्रिटिश एरा में, सबसे पहले उन्होंने कोर्ट सिस्टम को चेंज किया। और ब्रिटिश एरा में क्या हुआ, देखो तब बने दीवानी कोर्ट्स, दीवानी कोर्ट्स। अब मुझसे कई लोग पूछते हैं, कुछ लोग पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी कि सर दीवानी कोर्ट्स है ना, बनी मैं तेरी दीवानी है ना, ये वाला दीवानी है क्या, दीवाना दीवानी ये वाले कोर्ट्स हैं। तो इसका आंसर है आपने बिल्कुल गलत सोचा है। दीवानी कोर्ट बेसिकली सिविल कोर्ट्स को बोलते हैं, सिविल कोर्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को बोलते हैं दीवानी कोर्ट। और दीवानी के अलावा क्रिमिनल कोर्ट्स को पता है क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं फौजदारी, हिंदी में दे आर नोन एज फौजदारी कोर्ट्स, उनको बोलते हैं फौजदारी न्यायालय, उनको कहा जाता है जहाँ पे क्रिमिनल मैटर्स आते हैं, और जहाँ सिविल मैटर्स आते हैं ना उनको बोलते हैं दीवानी कोर्ट्स। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो एक जो चेंज आया, एक जो मेजर डिफरेंस आया जो ब्रिटिश एरा में आया, वो डिफरेंस ये आया कि देखो मैंने आपको अभी भी बताया कि जब एरा ऑफ किंग था, जब इंडिया में एरा ऑफ किंग चला करता था, तब प्रोविजन ये हुआ करता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को और जुडिशरी फंक्शन को एक किंग के कंट्रोल में सारा काम होता था। राजा के पास सारी पावर है, आइदर इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, टैक्सेस लगाने, टैक्सेस नहीं लगाने, टैक्सेस की रिकवरी करनी है,
कंस्ट्रक्शंस करवाने, ये सारा काम राजा के पास में होता था। समझे जो बात? ये सारी की सारी पावर किंग के पास में होती थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन को और जस्टिस देने को, जुडिशरी को सेपरेट किया। सो एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड असाइन टू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, सबसे पहले सेपरेट किया। और आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में शुरुआत करी थी, तो ये मैंने लिख दिया एडमिनिस्ट्रेशन और ये मैंने लिख दिया जस्टिस सिस्टम। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में शुरुआत करी थी आईएएस के एग्ज़ाम की, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है ना, इसकी शुरुआत ब्रिटिशर्स ने की थी। और आपको पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उन्होंने उस जॉब से रिज़ाइन भी कर दिया था। और ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो आईएएस का एग्ज़ाम है, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम, जिसको अब हम यूपीएससी का एग्ज़ाम बोलते हैं, जो पहले आईएएस का एग्ज़ाम सिर्फ कहलाता था, सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता था, ये एग्ज़ाम कहते हैं, शायद इंडिया से बाहर होता था, यूके में ये एग्ज़ाम होता था। एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज वन ऑफ दी फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, जिन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था। और फिर उन्होंने ये कहा कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, क्योंकि ये सिर्फ मैंने अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए क्वालिफाई किया है, टैलेंट। एनीवेज, सो फिर क्या होता था कि ना, अब यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा चेंज हुआ। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे स्क्रिप्स, ठीक है ना, स्क्रिप्स बोलेंगे, स्क्राइब्स बोलेंगे, स्क्राइब्स मतलब जो कोर्ट में ऑफिसर्स होते थे बेसिकली। स्क्राइब किसके लिए है, कि रिकॉर्ड रखना का काम यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो स्क्राइब्स यूज टू कीप रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द प्रोसीडिंग्स, जो भी प्रोसीडिंग्स होती थी ना, उन सब का रिकॉर्ड रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती थी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कर दी फिर स्क्राइब्स की। तो ब्रिटिशर्स ने फिर इस प्रोविजन को, इस सिस्टम को स्टार्ट किया, इस सिस्टम को स्टार्ट किया उन्होंने कि जो भी प्रोसीडिंग्स होगी उसका रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्ड रखा जाए, जो कि ड्यूरिंग द एरा ऑफ किंग, या हम बोल दें मुगल टाइम में, जो सिस्टम नहीं हुआ करता था। उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में आया जो हमारा प्रेजेंट सिस्टम है वो। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, लेटर ऑन दे चेंज द सिस्टम, और उन्होंने ये कर दिया कि जो भी लिटिगेंट्स हैं, लिटिगेंट्स का मतलब क्या होता है, जिन लोगों ने केस फाइल किया या जो केस को डिफेंड कर रहे हैं, लिटिगेंट्स को अलाउ कर दिया, लिटिगेंट्स वर अलाउड। उनको इस चीज के लिए अलाउ कर दिया कि वो अपना कोई भी क्लेम, आइदर वो क्लेम हो या फिर वो कॉन्टेंशंस हो, उसको वो रिटर्न फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? दे कैन ब्रिंग देयर क्लेम और कॉन्टेंशंस को रिटर्न फॉर्म में लाकर वो फाइल कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? वो उसको रिटर्न फॉर्म में फाइल कर सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? ब्रिटिश एरा में सिस्टम फिर जाकर चेंज हो गया पूरी तरीके से। क्लियर हुआ आपको? बैकग्राउंड तो क्लियर हो गया आपको, कैसे इसकी शुरुआत हुई? शुरुआत हुई ये हमने देख लिया, 1908 में सिविल प्रोसीजर कोड आ गया था, जो आज की डेट में एप्लीकेबल है। सीपीसी 1908 में आया था, ज़रा सोचो, तब ब्रिटिश एरा ही था इंडिया में। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिली थी। तो अभी जो हमारे इंडिया में कितने ऐसे लॉज हैं जो कि हमने ब्रिटिश इंग्लिश लॉ से लिए हैं? हमारे लॉ का मेन सोर्सेज ही क्या है? ब्रिटिश लॉ है। एनीवेज, अब क्या हुआ उसके बाद, कोर्ट्स ने क्या बोल दिया, अलाउ कर दिया, ब्रिटिश जो सिस्टम था, ब्रिटिशर्स जो थे, उन्होंने अलाउ कर दिया कि कोई भी आपकी कॉन्टेंशन है, कोई भी आर्ग्यूमेंट है, उसको रिटर्न फॉर्म में फाइल करो। सो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। आपने नोटिस किया होगा कि लॉयर्स के पास में क्या होता है, बहुत सारी फाइल्स पड़ी होती हैं, अलग अलग तरह की फाइल्स प्रॉपर बनी होती हैं। और आपने कोर्ट रूम में भी देखा होगा, अगर आप कभी किसी कोर्ट रूम में गए हो, कि मजिस्ट्रेट के पास में बहुत सारी फाइल्स होती हैं, और उन फाइल में, उन्हीं फाइल्स के ऊपर आर्ग्यूमेंट होता है, नोटिंग होती है, जितने भी रिटर्न फॉर्म में एविडेंस दिए हैं वो सब के सब उस फाइल में गिवन होते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन एक फाइल में होती है।
अब एक तो इसका बेनिफिट ये है कि चाहे केस कितना भी पुराना हो जाए, उसके फैक्ट जो हैं वो उस फाइल में स्टोर रहेंगे। जब ओरल हियरिंग होती है तब ये सब चीज़ें याद ही नहीं रहती, तो रिटर्न फॉर्म में चीज़ें हो गई तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होने लग गया। और उन्हीं फाइल्स की फिर मजिस्ट्रेट को स्टडी करनी होती है। मान लो मजिस्ट्रेट कोई पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट सुन रहा है ना, तो कई बार तो ऐसा भी होता है कि मजिस्ट्रेट्स या जजेस बोल दीजिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट वर्ड जो है वो क्रिमिनल क्रिमिनल कोर्ट में जजेस जो होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो जजेस या मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, उस फाइल्स को कई बार घर पे ले जाके पढ़ते हैं, सारे एविडेंस को रिव्यू करते हैं, क्या क्या एलिगेशन लगाई है, डिफेंस क्या कहता है, प्रोसिक्यूशन क्या कहता है, उसकी पूरी रिसर्च करनी पड़ती है। जजेस को बहुत पढ़ना पड़ता है, हर केस के अपने अपने फैक्ट्स होते हैं, और ये सारे के सारे फैक्ट्स प्लीडिंग में मेंशन होते हैं, उस फाइल में मेंशन होते हैं जो फाइल कोर्ट में आई है। नाउ सो अब ज़रा बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू प्लीडिंग की। बैकग्राउंड तो हमने देख लिया, अब बैकग्राउंड के बाद में देखते हैं इंट्रोडक्शन टू प्लीडिंग, ये कैसे शुरुआत हुई इसकी, हाउ प्लीडिंग वॉज स्टार्टेड। सो प्लीडिंग की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई, कि जब इंडिया में सिविल कोड बना, सिविल कोड से मेरा मतलब है सिविल प्रोसीजर कोड, CPC जब आया, तो सिविल कोड केम टू बी ड्राफ्टेड, तो उसके बाद में क्या किया, ठीक है, यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ से प्लीडिंग को एक स्टैट्यूटरी फॉर्म दे दिया गया, यहाँ से प्लीडिंग वर ऑल्सो गिवन, प्लीडिंग को एक स्टैट्यूटरी फॉर्म दे दिया गया, प्लीडिंग वर ऑल्सो गिवन ए स्टैट्यूटरी फॉर्म। नाउ और प्लीडिंग का मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ पे, अब CPC जो है ना, CPC सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 6 है, ऑर्डर 6 है एंड रूल नंबर 1 है, रूल 1 ऑफ द CPC सिविल प्रोसीजर कोड 1908। सो ऑर्डर 6 रूल 1 ऑफ द CPC विच सेज दैट, जो ये बोलता है, which itself says that pleading shall mean, which says pleading shall mean plaint, pleading का मतलब होता है plaint, या फिर होता है कोई return statement, either वो होगा plaint या फिर this would be a return statement। आई मेरी बात समझ में, WS, मैंने कई बार बताया है क्लास में, WS प्लेंटिफ ने जो फाइल किया है, प्लेंटिफ ने जो प्लेंट फाइल किया है वो भी प्लीडिंग है, और डिफेंस ने, डिफेंडेंट ने जो WS फाइल किया है वो भी क्या है, वो भी प्लेंट की फॉर्म में आता है। तो PC मोगा मॉड्यूल में इनके में लिखा हुआ था, PC मोगा कौन थे, बेसिकली लेट चीफ जस्टिस थे, और उन्होंने एक बुक लिखी थी, उनकी बुक बहुत फेमस है, इनफैक्ट आपके मॉड्यूल में रेफरेंस बुक में भी उनकी बुक का नाम दे रखा है। तो लेट श्री जस्टिस एंड ऑथर ऑफ बुक कॉल्ड लॉ ऑफ प्लीडिंग इन इंडिया, लॉ ऑफ प्लीडिंग इन इंडिया, उन्होंने प्लीडिंग को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था। किस तरीके से डिफाइन किया था, सो ही डिफाइंड प्लीडिंग एज, PC मोगा ने इस तरीके से डिफाइन किया था, प्लीडिंग्स आर स्टेटमेंट्स रिटर्न drawn up and filed by each party to a case, क्या है, statement है, return drawn up and filed by each party to a case stating what his contentions will be at the trial and giving all such details as his opponent need to know in order to prepare his case in answer। किसी भी केस में ना सरप्राइज एलिमेंट नहीं होता, ये बात मैंने ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद बता रहा हूँ। जब प्लेंटिफ कोई प्लेंट फाइल करता है ना, तो जितने भी उसके पास में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, राइट, कोई भी उसके पास में एविडेंस है, कोई भी उसकी एलिगेशंस है, उन सारी बातों को वो क्या करता है, उन सारी बातों को अपने प्लेंट में इनकॉर्पोरेट करता है, और इनकॉर्पोरेट करके उस प्लेंट को फाइल करता है,
कौन करता है काम? प्लेंटिफ करता है, और उसके बाद डिफेंडेंट उसको पढ़ के अपना रिप्लाई जो है वो प्रिपेयर करता है, और जब डिफेंडेंट अपना रिप्लाई फाइल कर देता है तो उसके बाद प्लेंटिफ का काम होता है रेप्लीकेशन फाइल करना, फिर वो अपना एक रेप्लीकेशन फाइल करता है। सो प्लीडिंग्स आर बेसिकली स्टेटमेंट्स रिटर्न ड्रॉन अप एंड फाइल्ड बाय ईच पार्टी टू ए केस स्टेटिंग व्हाट हिज कंटेंशंस विल बी एट द ट्रायल एंड गिविंग ऑल सच डिटेल्स एज हिज ओपोनेंट नीड्स टू नो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर हिज केस इन आंसर। तो वो अपने आंसर प्रिपेयर करने के लिए वो प्लीडिंग में लिखा होता है। सो ईच पार्टी इन ए केस इज ऑब्लाइज टू स्टेट हिज ओन केस एंड आंसर द केस ऑफ द ओपोनेंट बिफोर द ट्रायल कम्स ऑन। तो ट्रायल शुरू होने से पहले क्या करना पड़ता है, हर पार्टी को अपना रिप्लाई, जो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट दोनों को अपने रिप्लाई फाइल करने होते हैं, और जब अपने रिप्लाई फाइल करते हैं तो उसमें वो पॉइंट वाइज आंसर करते हैं, कंटेंशंस के ऊपर उनका जो आर्ग्यूमेंट होता है उसको मेंशन करते हैं। सच स्टेटमेंट ऑफ द पार्टीज एंड टू रिप्लाई टू देम आर नोन एज प्लीडिंग्स। उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं प्लीडिंग्स। नाउ अब देखो, एक वर्ड आता है कंप्लेंट, एक वर्ड आता है कंप्लेंट और एक वर्ड आता है प्लेंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दो टर्म्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दो आते हैं टर्म्स, एक आता है कंप्लेंट एक आता है प्लेंट। प्लेंट कहाँ फाइल होता है? प्लेंट बेसिकली फाइल होता है सिविल कोर्ट में और कंप्लेंट फाइल होती है क्रिमिनल कोर्ट में। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ये इन दो टर्म्स का डिफरेंस है। नाउ सो बेसिकली प्लेंट का एक और डेफिनेशन छोटी सी हम यहाँ पे देखेंगे। द डॉक्यूमेंट स्टेटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड अदर नेसेसरी डिटेल्स एंड पर्टिकुलर्स इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ इज कॉल्ड द प्लेंट। ये क्या है? राइट, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड प्लेंट। द डॉक्यूमेंट स्टेटिंग द कॉज ऑफ एक्शन stating the cause of action and other necessary details and particulars in support of the claim of the plaintiff is called the plaint। ye bhi ek definition aa gayi kiski, plaint ki। now the defense statement containing all material facts and other details filed by the defendant is called the return statement। isko dhyan mein rakho, plaintiff case file karta hai na, केस फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, केस फाइल करने का बर्डन किसके ऊपर होता है? तो हम बोलते हैं प्लेंटिफ के ऊपर होता है। तो प्लेंटिफ के ऊपर केस फाइल करने का बर्डन होता है, तो प्लेंटिफ जो फाइल करता है उसको हम बोलते हैं प्लेंट। और उस प्लेंट के रिप्लाई में जो डिफेंडेंट अपना रिप्लाई फाइल करता है उसको हम बोल देते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये देखो, इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। Let's look at this. Plaintiff ने file किया, क्या file किया? Plaintiff ने file किया plaint। कहाँ file करता है वो plaint? वो अपना plaint file करता है in court। तो वो court में जाएगा और अपना plaint file करेगा। उसके बाद ये देख लिया आपने। नाउ अब कोर्ट क्या करेगा? अब कोर्ट की तरफ से जाएगा समन। किसको जाता है समन? अब ये समन इश्यू होता है डिफेंडेंट को। ये क्या कर दिया गया? ये डिफेंडेंट को समन इश्यू कर दिया गया। इज दैट क्लियर? समन फाइल हुआ और फिर डिफेंडेंट को समन इशू कर दिया। डिफेंडेंट को समन इशू कर दिया, उसके बाद में अगला स्टेप जो आता है वो आता है डिफेंडेंट की तरफ से। डिफेंडेंट क्या करता है? अब अपना रिप्लाई फाइल करता है। तो नाउ व्हाट डिफेंडेंट विल डू, डिफेंडेंट क्या फाइल करता है? अब जो डिफेंडेंट है, नाउ ही इज लायबल टू फाइल, वो डिफेंडेंट अब फाइल करेगा अपना रिटर्न स्टेटमेंट। वो अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है। ये डिफेंडेंट ने अपना रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया। समझ में आया आपको? WS और प्लेंट।
और दोनों की टाइमिंग मैंने आपको बता दी। देखो नॉर्मली डिफेंडेंट गेट्स 30 डेज, इससे ज़्यादा का टाइम भी डिफेंडेंट को मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली उसे 30 डेज का टाइम मिलता है अपने रिप्लाई को फाइल करने के लिए। उसके बाद अगला स्टेज देखो, नेक्स्ट स्टेज देखो यहाँ पे। अब अगला जो नंबर आता है ना इसके बाद, यहाँ पे देखो अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है किसी भी केस में ना, इस स्टेप तक ट्रायल स्टार्ट होता ही नहीं है क्योंकि अभी तो सब अपना अपना रिप्लाई फाइल कर रहे हैं, सारी जो भी उनके ऊपर एलिगेशन लगाया गया है वो उसका जवाब दे रहे हैं रिटर्न फॉर्म में। अगली नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा ये देखो। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेज अगली स्टेज में वो जो प्लेंटिफ है वो प्लेंटिफ क्या फाइल करेगा। नाउ सच प्लेंटिफ विल फाइल रिटर्न स्टेटमेंट के रिप्लाई में वो प्लेंटिफ फाइल करेगा, क्या वो फाइल करता है रेप्लिकेशन। इसको हम बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन। ये मैंने इसलिए बना दिया, ये मुझे बनाना इसलिए ठीक लगा कि अगर मैं ऐसे बना दूंगा, एक टाइमलाइन बना दूंगा और टाइमलाइन ड्रॉ कर दूंगा तो आपके लिए इस टॉपिक को समझना आसान हो जाएगा। तो किसी भी पर्सन को मान लो किसी के अगेंस्ट में भी केस फाइल करना है और वो आकर मान लो मुझे बोलता है कि सर ये केस फाइल करना है, ये कॉज ऑफ एक्शन है, ये ग्राउंड्स हैं, मैं उसके सारे फैक्ट्स को सुनूंगा, समझूंगा, उसकी जो भी आरोप है, एलिगेशन है, मान लो प्रॉपर्टी का केस है तो अगेन सिविल केस है, मैं ये चेक करूंगा कौन से कोर्ट में वो केस फाइल हो सकता है, कितनी स्टैम्प ड्यूटी पेबल होगी, सारे फैक्ट्स को देखने के बाद हम लोग रिटर्न फॉर्म में उसके प्लेंट को प्रिपेयर करेंगे, प्लेंट का एक फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे और फाइनल ड्राफ्ट बनाकर हम उस पर्सन को दिखाएंगे जिस पर्सन ने हमें वो केस फाइल करने के लिए कहा है। अब वो जब एग्री कर देगा, वो जब बोल देगा ठीक है, सारे सपोर्टिंग उससे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसमें अटैच कर देंगे, अटैच करने के बाद हम उसको फाइल कर देंगे कोर्ट में। तो जब वो सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन जिसमें वो प्लेंट होता है, जिसमें सारे के सारे जो पॉइंट्स रखे हैं प्लेंटिफ ने अगेंस्ट डिफेंडेंट, वो कोर्ट में फाइल कर दिए जाएंगे, फिर कोर्ट समन इशू कर देगा, समन्स इशू कर देगा डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट फिर अपने लॉयर को अप्रोच करेगा, उसका लॉयर उसको बताएगा कि इस केस में क्या क्या हो सकता है, वो उससे लॉयर से लीगल ओपिनियन लेगा और उसके बाद लॉयर उसके बिहाफ पे क्या करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा। लॉयर उसके बिहाफ पे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के बाद कोर्ट से हमें भी उस रिटर्न स्टेटमेंट की कॉपी मिलेगी। देखो प्लेंट की कॉपी भी डिफेंडेंट को मिलती है और डिफेंडेंट जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है उसकी कॉपी भी किसको मिलती है, उस रिटर्न स्टेटमेंट की कॉपी मिलती है प्लेंटिफ को। आ रही है मेरी बात समझ में, प्लेंटिफ ने जो फाइल किया प्लेंट उसकी कॉपी मिलती है डिफेंडेंट को, और डिफेंडेंट जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा उसकी एक कॉपी किसको मिल जाएगी, उसकी कॉपी मिल जाती है अगेन प्लेंटिफ को। फिर प्लेंटिफ जो है वो फाइल करेगा रेप्लिकेशन, तो ये जो रेप्लिकेशन फाइल करता है ना, इस रेप्लिकेशन की भी एक कॉपी अगेन किसको मिलती है, डिफेंडेंट को। तो ये देखो आई बस समझ में, यानी कि दोनों पार्टीज को एक दूसरे ने जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट में फाइल किया है उसकी एक कॉपी हमेशा मिलती है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि सामने वाली पार्टी जो है वो अपना डिफेंस प्रायर प्रिपेयर कर ले। कोर्ट में कभी ऐसा नहीं होता कि जाते ही एक आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा और बोलेगा ये आपके अगेंस्ट में फाइल हुआ है, अब अभी आप इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट करो। कोर्ट ये नहीं बोलेगा कि आपको अभी इसके ऊपर अभी आर्ग्यूमेंट करना है। कोर्ट प्रॉपर टाइम देता है पार्टीज को कि पार्टीज उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के और अकॉर्डिंगली अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सके। क्लियर है बात, इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। नाउ सो डिफेंस स्टेटमेंट की बात करते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट में क्या होता है, कंटेंशंस होती है पार्टीज की, मटेरियल फैक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्शंस होते हैं, राइट, जो उसमें लिखा होता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट के जो प्लीडिंग होता है उस प्लीडिंग के कंटेंट क्या क्या होते हैं। अब प्लीडिंग के कंटेंट को डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली प्लीडिंग कंटेन्स, प्लीडिंग में क्या क्या
इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाती है. सो प्लीडिंग कंटेन्स, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. मटेरियल फैक्ट्स रिलेटिंग टू दैट मैटर, ये आया फर्स्ट पॉइंट, मटेरियल फैक्ट्स. सेकेंड पॉइंट इज कंटेंशंस, दोनों पार्टीज की जो आरोप जिसको हम बोलते हैं. और थर्ड क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ उस केस में क्या रिलीफ क्लेम कर रहा है, क्या रिलीफ प्लेंटिफ जो है वो क्लेम कर रहा है. इज दैट क्लियर? सो मटेरियल फैक्ट्स, कंटेंशंस एंड क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ. ये देख लिया. अब जब बारी आएगी किसकी, अब जब बारी आएगी डिफेंडेंट की, ये तो एलिगेशन लगा दिए, यहां एलिगेशन लगा दिए किसने, प्लेंटिफ ने. उस केस से रिलेटिंग सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो प्लेंटिफ ने मेंशन कर दिए. अब बारी आई डिफेंडेंट की, तो डिफेंडेंट क्या करेगा, डिफेंडेंट विल मेंशन अगेन, वो भी लिखेगा मटेरियल फैक्ट्स. उस एक पर्टिकुलर मैटर से रिलेटिंग जो फैक्ट्स हैं उनको बोल दिया मटेरियल फैक्ट्स. उसके बाद वो क्या करेगा, उसके क्या कंटेंशंस हैं, कंटेंशंस हैं, और साथ ही साथ क्या होगा, डिनायल्स. कंटेंशंस होंगे, कौन कौन से फैक्ट्स को वो डिनाय कर रहा है, डिनायल्स होंगे, या फिर एडमिशंस होंगे, कौन कौन से फैक्ट को वो एडमिट कर रहा है. डिनायल्स होंगे, एडमिशन होंगे, किसका, क्लेम्स का, ऑफ क्लेम्स बाय द डिफेंडेंट, ऑफ क्लेम बाय द डिफेंडेंट. इज दैट क्लियर? नाउ एक इंपॉर्टेंट बात और देखना, काउंटर क्लेम भी कई बार डिफेंडेंट करते हैं. काउंटर क्लेम, इस काउंटर क्लेम का मतलब क्या हुआ कि एलिगेशन जो है वो किसने लगाए हैं, एलिगेशन प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर लगाए हैं, लेकिन डिफेंडेंट कह रहा है कि मुझे इस प्लेंटिफ के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाने हैं, मतलब इसने मेरे साथ गलत किया है, मैंने इसके साथ गलत नहीं किया. ठीक है, तो ये देखो, जैसे कि मान लो पैसे के लेन देन को लेकर कोई डिस्प्यूट है, सो ए क्लेम ऑफ सेट ऑफ, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे. सो ए क्लेम ऑफ सेट ऑफ अगेंस्ट द प्लेंटिफ, ए क्लेम ऑफ सेट ऑफ अगेंस्ट द प्लेंटिफ विच इज कवर्ड. अभी सेट ऑफ के बारे में बात करूंगा, सेट ऑफ के एग्जाम्पल भी दूंगा आपको. प्लेंटिव जो है, एक एग्जाम्पल आपको बताई देता हूं, प्लेंटिव जो है वो डिफेंडेंट से पैसा मांग रहा है, और डिफेंडेंट जो है वो कह रहा है कि प्लेंटिव मुझसे क्या पैसा मांगेगा, मैं तो खुद उसे पैसा मांगता हूं. सो काउंटर क्लेम में वो कवर होता है, दैट इज कवर्ड अंडर काउंटर क्लेम अगेंस्ट द प्लेंटिव. सो डिमांड इज कवर्ड अगेंस्ट द प्लेंटिव इज कवर्ड बाय ऑर्डर 8 एंड रूल 6. किस में कवर है, वो ऑर्डर 8 रूल 6 में कवर्ड है. और देखो अलोंग विद दिस, सो ए क्लेम ऑफ सेट ऑफ अगेंस्ट द प्लेंटिफ इज कवर्ड बाय ऑर्डर 8 एंड रूल 6. नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज एक इंडिपेंडेंट काउंटर क्लेम भी आता है. काउंटर क्लेम दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है नॉन इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब एक ऐसा क्लेम जो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं है, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं है. तो दो लोगों के बीच में पहले एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के ऊपर केस फाइल कर दिया. नाउ तो दोनों के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ था,
प्लेंटिफ ने केस फाइल कर दिया, डिफेंडेंट ने बोल दिया मैं इससे पैसा मांगता हूँ। इंडिपेंडेंट काउंटर क्लेम में क्या होता है कि दोनों के बीच में उस ट्रांजेक्शन के अलावा एक सेपरेट ट्रांजेक्शन हुआ था और उसका पैसा मांग रहा है कौन? डिफेंडेंट। एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको, समझ में आ जाएगा थोड़ा और आसानी से। दो पार्टनर्स हैं और दो पार्टनर्स के बीच में आपस में डिस्प्यूट हो गया। एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया है। दूसरा पार्टनर ये बोलता है कि हाँ ये मुझसे 2,00,000 रुपये मांग रहा है, लेकिन मैंने इसको पर्सनली मैंने इसको अपने दूसरे बिजनेस से इस पर्सन को 5,00,000 रुपये के गुड्स दिए थे, 5,00,000 रुपीज के गुड्स, और वो पैसा मैं इससे मांग सकता हूँ, 5,00,000 रुपये का है। अब जो मैंने अपने दूसरे बिजनेस से इसको 5,00,000 रुपये गुड्स अप्लाई किए ना, नाउ दिस इज एन इंडिपेंडेंट काउंटर क्लेम। और ये सेट ऑफ में क्या हो रहा है? सेट ऑफ भी दो तरह का होता है, आगे उसकी भी मैं बात करूंगा। इक्विटेबल सेट ऑफ क्या होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा, लेकिन यहां सेट ऑफ में क्या हो रहा है? यहां सेट ऑफ में तो सिर्फ ये बोल रहा है कि एडजस्ट हो जाए, उस वो मुझसे पैसा मांग रहे हैं बट मैं भी उससे पैसा मांगता हूं, और जो दोनों दूसरे से पैसा डिमांड कर रहे हैं ना, यहां पे ट्रांजेक्शन ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो है ना वो सेम है। अगर वो अलग अलग होगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो डिफेंडेंट जो है ही इज मेकिंग ए काउंटर क्लेम, सो वो इंडिपेंडेंट, दैट कुड बी एन, वो इंडिपेंडेंट काउंटर क्लेम भी हो सकता है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, विच इज नॉट एग्जैक्टली सेट ऑफ। ये देखो, ये सेट ऑफ नहीं होता बट फॉल्स अंडर सम अदर स्टैट्यूट बट वो किसी दूसरे स्टैट्यूट में कवर होता है। इज दैट क्लियर? सो इट इज बेसिकली एन इंडिपेंडेंट काउंटर क्लेम विच इज नॉट एग्जैक्टली सेट ऑफ बट फॉल्स अंडर सम अदर स्टैट्यूट ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतना क्लियर हुआ? नाउ अब जरा ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लीडिंग, प्लीडिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये देखो, ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लीडिंग। नाउ ऑब्जेक्ट ऑफ प्लीडिंग इज कवर टू गिव ए फेयर नोटिस टू ईच पार्टी ऑफ व्हाट द ओपोनेंट केस इज। दोनों पार्टीज को एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपना केस प्रेजेंट करने की। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पार्टीज टू नो ईच अदर स्टैंड। दोनों पार्टीज का जो स्टैंड है एक दूसरे को समझना होगा। व्हाट फैक्ट्स आर एडमिटेड एंड व्हाट डिनाइड। जैसे कि एक्स इज मेकिंग एन एलिगेशन अगेंस्ट वाई कि वाई मेरा पार्टनर था और उसने मेरे साथ, जब वो पार्टनर था तो ड्यूरिंग द पार्टनरशिप उसने मेरे साथ चीटिंग करी। अब वाई अपना रिप्लाई फाइल करेगा तो वाई अपने रिप्लाई में बोलेगा कि हाँ मैं एडमिट करता हूँ कि मैं इसका पार्टनर था। ये फैक्ट क्या कर लिया? एडमिट कर लिया। बट मैं इस फैक्ट को डिनाई करता हूँ कि मैंने इसके साथ कोई चीटिंग करी थी, मैंने मिस्टर एक्स के साथ में कोई चीटिंग करी थी, मैं इस फैक्ट को डिनाई करता हूँ। सो दैट एट द ट्रायल दे आर प्रिपेयर टू मीट देम। ठीक है, आगे देखो। द फैक्ट्स एडमिटेड बाय वन पार्टी नीड नॉट टू बी परस्यूड और प्रूव्ड। वो जो फैक्ट जो एडमिट कर लिए उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बात ध्यान में रखो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्स ने वाई के ऊपर केस फाइल किया कि वो मेरा पार्टनर था और उसके बाद उसने क्या किया, मेरे साथ चीटिंग करी, चीटिंग करके पैसा लेकर वो फर्म छोड़ के चला गया। मैंने उसको रिपीटेडली अप्रोच किया, जानने की कोशिश करी, लेकिन उसके साइड से कोई रिवर्ट नहीं आया। वो मेरे साथ चीटिंग करने की उसकी प्रॉपर इंटेंशन थी और उसने चीटिंग कमिट कर ली। वाई ये बोलता है मैं हाँ इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं उसका पार्टनर था। ये फैक्ट क्या हो गया? नाउ दिस फैक्ट इज एडमिटेड। तो जिस फैक्ट को क्या कर लिया? एडमिट कर लिया ना प्लेंट में। अब इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होगी। अब इस बात के ऊपर कोई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट नहीं होगा कि दोनों पार्टनर थे या पार्टनर नहीं थे, क्योंकि इस बात को तो एक्सेप्ट कर लिया है। आर्ग्यूमेंट अब इस बात के ऊपर होगी कि वाई ने चीटिंग करी या चीटिंग नहीं करी, और हो सकता है कि एक्स वाई के ऊपर बेवजह ही एलिगेशन लगा रहा हो। आई मेरी बात समझ में?
नाउ नेक्स्ट एडवांटेज क्या है? द अदर एडवांटेज ऑफ प्लीडिंग इज दैट पार्टी कम्स टू नो बिफोर हैंड वॉट पॉइंट्स द अपोजिट पार्टी विल रेज एट द ट्रायल एंड दस दे आर प्रिपेयर टू मीट देम. तो ये एडवांटेज होता है ना, हर एक पॉइंट के ऊपर क्या करते हैं, पार्टीज अपने अपने आर्ग्यूमेंट प्रिपेयर करती है. लॉयर्स इस बारे में, एडवोकेट्स की टीम इस बारे में डिस्कशन करती है पूरा, कि जो सामने वाला एडवोकेट है उसकी साइड से क्या क्या, सामने वाले एडवोकेट्स की तरफ से क्या क्या एलिगेशन लगाई जा सकती है, इसके ऊपर डिस्कशन होगा. सो वॉट काइंड ऑफ एलिगेशंस कैन बी मेड बाय द डिफेंडेंट या प्लेंटिफ की साइड से क्या क्या एलिगेशन लगाई जाएंगी, किन किन पॉइंट्स के ऊपर वो हमें फंसाने की कोशिश कर सकता है, कौन कौन से एविडेंस के थ्रू वो हमें परेशान कर सकता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है. और आपको पता है ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन हमेशा कस्टमाइज्ड होता है. हर केस के अपने अपने फैक्ट्स होते हैं और हर केस का अपना अपना डिफेंस होता है. एक केस में जो प्रिंसिपल अप्लाई किए गए थे, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रिंसिपल सारे केस में अप्लाई हो. हाँ, कुछ जजमेंट ऐसे होते हैं जिसके थ्रू आप अपने आप को सेव कर सकते हो, बचा सकते हो, लेकिन कई बार केसेस इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि लॉयर्स को बहुत ज़्यादा अपना माइंड अप्लाई करना पड़ता है. एक एग्जांपल मैं आपको ये बताता हूँ कि वोडाफोन का जब केस था, हरीश सालवे उस केस पे फोकस करने के लिए इंडिया से बाहर चले गए थे, यूके शिफ्ट हो गए थे कुछ दिनों के लिए. ही डिसाइडेड टू स्टे इन यूके क्योंकि इतना बड़ा केस था, 11,000-12,000 करोड़ रुपए की टैक्स लायबिलिटी थी वोडाफोन के अगेंस्ट में. तो इस केस के ऊपर पूरा रिसर्च करने के लिए, अलग अलग कोर्ट्स के क्या क्या जजमेंट आए हुए हैं, इन सब के रिसर्च करने के लिए वो इंडिया से बाहर चले गए. तो केस इतना बड़ा था, इतनी बड़ी कंपनी को, इतनी बड़ी कंपनी है वोडाफोन, और उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी सुनिए कितनी बड़ी थी. मैंने तो ये भी सुना है कि वोडाफोन वाले केस में ना, जो उनकी लीगल टीम थी उनको परसेंटेज में अमाउंट ऑफर किया गया था कंपनी की तरफ से. लीगल टीम को कहा गया था कि 11,000 करोड़ का हम आपको एक फिक्स परसेंटेज पे कर देंगे अगर हम ये केस जीत गए. तो केस जीत गई थी वोडाफोन. यस, वोडाफोन वॉन द केस. राइट नाउ, सो व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्लीडिंग? प्लीडिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? टू डिफाइन द इश्यूज इन्वॉल्व बिटवीन द पार्टीज, पार्टीज के बीच में जो इश्यूज हैं वो कौन कौन से हैं. टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द अपोजिट पार्टी, अपोजिट पार्टी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपना स्टैंड रखने की. एंड टू इनेबल द कोर्ट टू एडजुडिकेट द रियल इश्यूज इन्वॉल्व बिटवीन द पार्टीज. तो जो रियल इश्यूज इन्वॉल्व हैं उसके ऊपर कोर्ट एडजुडिकेशन दे सके, इसलिए प्लीडिंग की जाती है. सो दीज आर द थ्री ऑब्जेक्ट्स ऑफ द प्लीडिंग जो आपको याद रखने हैं. राइट, इसके आगे का जो टॉपिक है, दैट इज फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग, उसको मैं अगले वीडियो में स्टार्ट करूंगा. अगले वीडियो में हम उस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं. मैं इंटेंशनली वीडियो की ड्यूरेशन को इतना रखता हूं और मैं ये ब्रेक लेता हूं. मैं आज आपको इसका भी रीज़न बता देता हूं. तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ऐसा साइकेट्रिस्ट कहते हैं, एक रिसर्च में भी ऐसा कई बार प्रूव हुआ है. आपने देखा होगा कि स्कूल टाइम में आपका जब लेक्चर हुआ करता था उसकी ड्यूरेशन होती थी 50 मिनट्स. तो ये जो 50 मिनट्स की ड्यूरेशन रखी जाती है किसी भी लेक्चर की, या मैक्सिमम 1 आवर, उसका रीज़न क्या होता है कि हमारा जो माइंड होता है ना, हमारे माइंड को भी 40-50 मिनट्स के बाद में 5 मिनट्स का ब्रेक चाहिए होता है. हाँ, अदरवाइज हमारा जो माइंड है वो कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा लूज करना स्टार्ट कर देता है. तो इसलिए मैं इंटेंशनली लेक्चर की ड्यूरेशन को इतना रखता हूँ, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले ना, ये लेक्चर कंप्लीट करूँगा उसके बाद में ये काम करूँगा, मुझे ब्रेक लेना है लेकिन इस लेक्चर को देखने के बाद. तो ये रीज़न है. राइट, आगे का टॉपिक है फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग को, उसको स्टार्ट करता हूँ ब्रेक के बाद. थैंक यू सो मच.